नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेरी डिवाइस, जो रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से चार या पांच क्वेश्चन आने हैं। तो देखिए, जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको हम लिटरेरी टर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरेरी टर्म्स भी बोल देते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर हमारे जो सिलेबस में है वो चार टॉपिक्स हैं। एक तो है सोनेट, ठीक है, और दूसरा एलिजी, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। कितने टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में? चार टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? शॉर्ट स्टोरी, एलेजी, ड्रामा और सोनेट, ठीक है। अब देखिए, लिटरेचर है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो आता है हमारा प्रोज और दूसरा है पोइट्री, ठीक है। प्रोज को हम क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं। वो पोइट्री है उसको हम पद्यांश बोलते हैं, ठीक बात है। अब देखिए, जो सोनेट है और एलिजी है वो तो गद्यांश में आते हैं और शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा है वो पद्यांश के अंदर हमारे आते हैं, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एलिजी। कौन सा टॉपिक है हमारा? एलिजी। इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, कि एलिजी है वो क्यों लिखी जाती है और इसका जो उद्भव है वो कहाँ पर हुआ था, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो एलिजी है ये क्या होती है? मॉर्नफुल होती है। मॉर्नफुल, या इसको हम सोरोफुल भी बोल देते हैं, यानी ये है वो दुखांत होती है। और इसका जो एलिजी का मीनिंग है वो भी होता है सैड सॉन्ग। क्या होता है? सैड सॉन्ग होता है। और ये कहाँ से आई हुई थी? तो देखिए, ये ग्रीक से आई। कहाँ से आई एलिजी? एलिजी है वो हमारी ग्रीक से आई थी, ठीक है। और ये लिखी कब जाती है? राइट्स ऑन डेथ। कब लिखी जाती है? मृत्यु पर लिखी जाती है। अब वो कौन हो सकता है? प्रेमिका हो सकती है। कौन हो सकता है? प्रेमिका हो सकती है, पर्डन, कोई पालतू पशु भी हो सकता है और लवेबल पर्सन भी हो सकता है। प्रेम करें और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? भाई एलिजी लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो थीम है वो कौन सी होती है? इसकी थीम है वो इसकी सोरो या फिर डार्क होती है, ठीक है, सोरो या फिर डार्क होती है। और ये किस लिए लिखी जाती है? ट्राइब्यूट के लिए लिखी जाती है। ट्राइब्यूट का मतलब क्या होता है? ट्राइब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि दी जाती है, ठीक है भाई। और ये है वो किसी सीरियस मैटर पर लिखी जाती है। सीरियस मैटर पर लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है? सीरियस मैटर पर लिखी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर हाइपरबोल, ठीक है, हाइपरबोल या फिर किसका है भाई? एग्जैग्रेशन का यूज किया जाता है। एग्जैग्रेशन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हाइपरबोली या फिर एग्जैग्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्यों लिखी जाती है? क्योंकि जो पोइट है वो क्या करता है भाई? एक्सप्रेस हिज सोरो। क्यों लिखी जाती है? एक्सप्रेस हिज सोरो, ठीक है।
और ये कपलेट के अंदर लिखी जाती है, राइट्स इन कपलेट, कपलेट में लिखी जाती है, ठीक है। अब देखिए जो एलर्जी है वो तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है एलर्जी है वो तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की एलर्जी होती है भाई, तीन प्रकार की होती है, कौन कौन से तीन प्रकार है बताओ, ठीक है। एक तो हमारी होती है पास्टर एलर्जी, कौन सी होती है पास्टर एलर्जी होती है हमारी, और दूसरी होती है डच, कौन सी होती है डच, इसको हम क्या कहते हैं शोक गीत कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम शोक गीत भी बोलते हैं, ठीक है। और कौन सी होती है मोमेंट, कौन सी होती है मोमेंट, ठीक है। तो हमारी एलर्जी है वो तीन प्रकार की होती है, पास्टर एलर्जी होती है, डर्ज होती है और मोनोडी होती है, ठीक है। ये अब देखिए जो मोनोडी है उसके अंदर मोनो का अर्थ क्या होता है सिंगल, तो ये लो सिंगल, अ पर्सन एक्सप्रेस हिज एक का काम तो खत्म हो गया कि मोनोडी क्या होती है, सिंगल पर्सन है वो क्या करता है अपना दुख व्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं डर्ज की, और डर्ज का मतलब क्या होता है भाई, शोक गीत होता है और ये फंगल, ठीक है। दाह संस्कार पे गाया जाने वाला गीत होता है, दाह संस्कार, दाह संस्कार पर जो गीत गाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं डर्ज बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पास्टर एलर्जी की, तो देखिए पास्टर एलर्जी है वो इसमें पॉइंट है वो कॉमन मैन बनकर क्या करता है एलर्जी लिखता है, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट है वो स्वयं को सेफर मानता है, क्या मानता है सेफर, बिबलिया मानता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात इसके ऊपर पर्सनल एलर्जी के ऊपर, ठीक है। तो इतनी ही हमें याद रखनी है और यहीं से भी प्रश्न आएंगे, तो देखिए एलर्जी, एलर्जी का मतलब क्या होता है दुखान, क्या होता है दुखान, ठीक है। और ये क्या होती है मोरल फूल होती है या सोरो फूल होती है, यानी कि इसके अंदर कवि है वो क्या करता है अपना दुख व्यक्त करता है, और एलर्जी का मतलब होता है सैड सॉन्ग, यानी कि दुख भरे गीत गाना, ठीक है। और इसकी जो सर्वप्रथम रचना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ग्रीक के अंदर हुई थी, और ये किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है, कब लिखी जाती है मृत्यु पर लिखी जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो थीम है वो क्या होती है सोरो फूल या फिर डार्क होती है, ठीक है। थीम है वो इसकी सोर होती है या फिर डार्क होती है, ठीक है। और इसमें क्या है ट्राइब्यूट करता है, कवि क्या करता है ट्राइब्यूट करता है, ट्राइब्यूट का मतलब क्या होता है श्रद्धांजलि होता है, ठीक है। इसमें है वो एक सीरियस मैटर को लेकर लिखी जाती है, किसको लिखी जाती है सीरियस मैटर को लिखी जाती है, और इसमें हाइपरबोलिक और एग्जैग्रेशन का यूज किया जाता है। अब जैसे कोई कह दे कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे मर जाऊँगा, और जितने भी जो प्रेमी और प्रेमिका आपस में वादे करते हैं वो सभी है वो हाइपरबोलिक होते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये सभी एग्जैग्रेशन के उदाहरण हैं, ठीक है। फिर हम देखिए किस पर लिखते हैं विलम पैरडन या फिर लवेबल दर्शन, यानी कि इसी से हम प्रेम करें, चाहे वो पशु हो पक्षी हो अपनी प्रेमिका हो पति हो पत्नी हो, इन सभी पर क्या है भाई एलर्जी लिखी जा सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एलर्जी के कितने टाइप्स होते हैं, एलर्जी के टाइप्स होते हैं तीन, कितने टाइप्स होते हैं एलर्जी के तीन, पास्टर एलर्जी, डर्ज और मोनोडी। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोडी, मोनोडी मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सिंगल पर्सन है वो एक्सप्रेस करता है अपने दुख को, ठीक है। तो मोनोडी हो जाएगी, और दर्ज, दर्ज का मतलब होता है सोगी, और सोगी है वो कब गाया जाता है दाह संस्कार पर गाया जाता है, यानी फंगल पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पास्टर एलर्जी की, पास्टर एलर्जी का मतलब ये है सीधा सा कि कॉमन मैन बनकर है कभी है वो रचना करता है, वो स्वयं को बटिया मानता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार सोनेट पे, ड्रामा पे और
वो अपनी फिक्शन है ना, शॉर्ट स्टोरी, इन तीनों पर भी हमारी क्लास आएगी। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको आगे भी मिल सके। धन्यवाद।